अस्सलाम वालेकुम। अल अलीम कुरान एंड उर्दू अकेडमी में खुश आमदे। आज हम वाकफियत अम्मा क्लास फन में बाब नंबर 5 खेल और कवानीन पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने पसंदीदा खेलों के नाम बता सकें। खेलों और ग्रोही सरगर्मियों के ज़रिए मिलजुल कर काम करने की अहमियत से आगाह हो सकें, कवानीन की तारीफ़ कर सकें और इन पर अमल करने की अहमियत को समझ सकें। खेलते वक्त खेल के कवानीन को जान सकें और इन पर अमल कर सकें। अच्छी सेहत के लिए खेलों और वर्जिश की अहमियत को समझ सकें। तो शुरू करते हैं। हम हर रोज़ शाम को खेल के मैदान में जाते हैं। वहाँ बच्चे बहुत से खेल खेलते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है तो कोई वॉलीबॉल, किसी को हॉकी पसंद है तो कोई बैडमिंटन खेलता है। मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन? प्यारे बच्चों, खेल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमें मिलजुल कर काम करने का सबक देते हैं। याद रहे कि खेल के कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि खेल के कवानीन क्या होते हैं? खेल के कवानीन, हर खेल के कुछ कवानीन होते हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी होता है। किसी भी खेल के दौरान ईमानदारी सबसे अहम होती है। कवानीन पर अमल करते हुए जीतने से खुशी मिलती है। ये याद रखना चाहिए कि कामयाबी मेहनत ही से हासिल होती है। आप खेल के दौरान नीचे बयान की गई बातों में से किनका ख्याल रखते हैं? अपनी बारी का इंतज़ार करना, बिल्कुल खेल के दौरान एक दूसरे की मदद करना, रेफरी की बात मानना, हार को खुले दिल से तस्लीम करना। हमें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? इस खेल के कोई से तीन कवानीन बताइए। आप अपना खेल बताइए और मुझे। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। क्रिकेट, ये दो टीमें मिलकर खेलते हैं। हर टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में सबसे पहले टॉस करते हैं, यानी खेलने से पहले टॉस करते हैं। उसात अपनी निगरानी में बच्चों को मुख्तलिफ खेलों में शामिल करें। खेल के इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि खेल के कवानीन क्या हैं? तो ये खेल के कवानीन हैं, ईमानदारी से खेलना और कामयाबी मेहनत से हासिल होती है, अपनी बारी का इंतज़ार करना, खेल के दौरान एक दूसरे की मदद करना, रेफरी की बात मानना और हार को खुले दिल से तस्लीम करना। तो बच्चों, आज का हमारा ये बाप मुकम्मल हुआ। अगले बाप तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जजाक।